दोस्तों यही मनीषा रानी थी जिनको कुछ समय तक लोग पूछ भी नहीं रहे थे और पता नहीं कितने सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे ये कहते हुए कि भाई मनीषा रानी है ही क्या। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि भाई मनीषा रानी जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब इस समय आखिर क्या बातें मनीषा रानी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही हैं, और यही नहीं बल्कि लोग क्या क्या तरीके की बातें मनीषा रानी को लेकर कर रहे हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। सबसे पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें कि मनीषा रानी जो है भाई एक समय ऐसा भी बिग बॉस में हमको देखने को मिला जहां पर उनको ये कहा गया कि मनीषा रानी तो हीरोइन मटीरियल बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी मनीषा अपने लिए लड़ी और मनीषा की इज्जत कायम थी। मनीषा का ये कहना था कि वो वन पीस है, वो हीरोइन मटीरियल है और कोई भी उनको इस चीज से रोक नहीं सकता है। सॉरी बट आज मनीषा रानी से हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई इंटरव्यू करना चाहता है, और हाल फिलहाल फराह खान भी मनीषा रानी के घर जाती हैं। बेसिकली मामला सिर्फ इतना सा था कि फराह खान अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू कर रही हैं और उनको भी किक स्टार्ट के लिए मनीषा की जरूरत पड़ी ही। सोशल मीडिया पर इस समय यही बातें लोग कर रहे हैं कि भाई जब फराह खान को ज़रूरत पड़ सकती है मनीषा रानी की, तो भाई जल्दी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मनीषा रानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।